हरियाणा के नूह में भड़काऊ पोस्ट का ये मामला है जिसको लेकर ये बड़ी जानकारी आरोपी ताहिर की गिरफ्तारी पर रोक की जानकारी कल तक आरोपी ताहिर को लेकर देखिए जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। नूह में भड़काऊ पोस्ट का ये पूरा मामला है जिस पर ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आरोपी ताहिर की गिरफ्तारी पर रोक की जानकारी। तो माहौल को बिगाड़ने की साजिश का ये आरोप है। तो नूह में भड़काऊ पोस्ट का जो पूरा मामला है उस पर इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में आरोपी ताहिर की गिरफ्तारी पर कल उस दिन नूह की आत्मा बहुत तड़पी थी। नूह ने अपनी आंखों से उस दिन जो तस्वीर देखी थी, एक शोभा यात्रा के दौरान माहौल इतना खराब हुआ कि दंगा भड़क उठा। बड़े पैमाने पर हिंसा और उपद्रव हुआ, खूनी टकराव हुआ। ऐसे खूनी हालात बने कि कई लोगों की जान चली गई थी। तो बड़े पैमाने पर नुकसान के निशान आज भी नूह की जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये चौराहा भी उसी खूनी झड़प का गवाह है। एक बार फिर नूह में जलाभिषेक की तैयारी है। पिछले साल जलाभिषेक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में सबसे ज्यादा नूह का यही चौक प्रभावित हुआ था। इसी जगह पर जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की गई थी। तमाम दुकानों को और लोगों के ऊपर जो है वो पथराव किया गया था, जिसके बाद इस चौक को कई दिनों के लिए। उम्मीद करते हैं कि अब नूह में दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। माहौल में जो शांति अभी नजर आ रही है, नूह ऐसे ही शांत रहेगा और भाईचारा बना रहेगा। एक साल बाद फिर उसी शोभा यात्रा का वक्त आ गया है, जब सावन के पहले सोमवार पर नूह में 22 जुलाई को ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा निकाली जानी है और इसके लिए पुलिस ने पूरी तरह से चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। अब होने वाली जो यात्रा है उसको लेकर पुलिस ने कुछ खास इंतजाम किए हैं, जिसके लिए पुलिस ने न सिर्फ जितनी भी दुकानें हैं उनके बाहर के सीसीटीवी कैमरों को खुद ठीक कराया है और साथ में ड्रोन से पूरे इलाके पर नज़र रखी जा रही है। ये बताइए सर, पिछली बार जो हुआ था यात्रा के दौरान कि काफ़ी लोगों को परेशानी हुई थी, पूरे बाज़ार बंद रहे थे, कर्फ्यू लगा रहा था। तो जो अब से पहले हुआ था वो भी प्रशासन की ढील से हुआ था। अब की बार भी प्रशासन टाइट रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि यात्रा से ठीक 7 दिन पहले नूह में फिर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए चिंगारी लगाने की कोशिश की गई। यहां के नलखेड़ा मंदिर में जलाभिषेक से ठीक हफ्ते भर पहले भड़काऊ पोस्ट लिखी गई, लेकिन पिछली बार से सबक लेते हुए सुपर एक्टिव मोड में तैयार पुलिस ने त्वरित गति से एक्शन लिया और भड़काऊ पोस्ट लिखने वाले वकील ताहिर हुसैन देवला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नूह पुलिस ने उस चीज का संज्ञान लेते हुए हमने कल उनके खिलाफ FIR दर्ज करी है और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है। और हमारा जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है वो पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। हालांकि ताहिर को एंटीसिपेटरी बेल के जरिए 18 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, लेकिन उनके साथ काम करने वाले लोग ताहिर हुसैन की हरकत से हैरान है। हमारे संवाददाता ताहिर के घर भी गए लेकिन ताहिर घर से फरार है। तो माहौल फिर भी अभी नरम है, लेकिन एक हमारे बहुत ही मौजूद वकील हैं ताहिर हुसैन जी, उनका थोड़ा सा एक बयान फेसबुक पे हमने देखा। हालांकि हमें उम्मीद नहीं थी कि उनका जैसा एक रेप्यूटेड वकील इस तरीके की बयानबाजी दे सकता है। हालांकि अब नूह की पीस कमेटी के सदस्य पहले जैसी किसी भी घटना से इनकार कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस बार सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि प्रशासन बेहद चौकन्ना है। शहर के लोग भी सब मिलजुल के सब शांतिपूर्ण तरीके से जल अभिषेक करेंगे और यात्रा में शामिल होंगे। हम लोग पीस कमेटी की मीटिंग में भी शामिल रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है कि कोई किसी तरीके से अप्रिय घटना ना हो। वही पिछले साल नूह हिंसा में बिट्टू बजरंगी को भी आरोपी बनाया गया था और अब शोभा यात्रा से ठीक पहले बिट्टू बजरंगी को हत्या की धमकी दी गई है। शिकायत है कि फोन पर 1,00,000 रुपए फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। मेरे को वही धमकी दे रहे हैं जो असामाजिक तत्व है, पंचर छाप है, उन्होंने पहले भी धमकी दी थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वहां से धमकी आई कि आपको जिंदा मार दिया जाएगा,
अब की बार आओगे तो आपकी गर्दन को काट दिया जाएगा। पिछली बार आप रह गए थे, हमसे बच गए थे, इंशाल्लाह हमें बड़ा मलाल है इस चीज़ का, लेकिन अब की बार आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पिछले साल हिंसा के बाद इंटेलिजेंस फेलियर की बात सामने आई थी, साथ ही जिस तरह से हिंसा भड़की थी उसके पीछे साजिश की थ्योरी दी गई थी। इतना ही नहीं, पहाड़ों से जिस तरह श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसाए गए, गोलियां चलाई गई, उससे साफ था कि हिंसा के लिए गैर सामाजिक तत्वों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। ऐसे में ताहिर हुसैन की पोस्ट वाली हरकत ने पुलिस की मुस्तैदी को और ज्यादा बढ़ा दिया है, ताकि नूह को धक्काने की साजिश रचने वाले किसी भी कीमत पर नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए और अमन कायम रहे। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।